हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है उमेश और मैं हूं एक सोलो प्रेनर इंडिया से। और मैं आज आपको स्टूडियो में बताने वाला हूं MPCA के बारे में, जिसको हम माई पेइंग क्रिप्टो एड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, हाउ टू साइन अप, हाउ टू सेटअप योर बैनर एड, हाउ टू एड फंड्स इन MPCA, ओके। और इसके साथ हम कैसे काम करेंगे और इसके लेवल्स कौन कौन से हैं। ठीक है, तो बेसिकली पूरा ही बता दूंगा जो आपको मैं इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई प्रॉब्लम आए, किसी भी चीज़ में कोई क्वेश्चन पूछना हो या अभी भी कुछ समझ ना आ रहा हो, तो आप मेरे को सिंपली ये मैं लिंक आपको नीचे दूंगा वीडियो के, ठीक है, दिया हुआ है मैंने कॉन्टैक्ट मी करके। और यहाँ पर आकर आप मुझे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे और मुझे आप कैसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक पे, स्काइप पे, ईमेल आईडी के थ्रू, या फिर यहाँ पर नेम, ईमेल आईडी, मैसेज लिख के डायरेक्ट सेंड कर देंगे और आपकी मैं क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूंगा। ठीक है, तो इस पेज को कर रहा हूँ अभी मैं बंद, और ये है मेरा फेसबुक पेज, यहाँ पर भी आप आकर मुझे मीट कर सकते हैं। ये भी लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आकर कोई भी फ्रेंड रिक्वेस्ट मुझे सेंड कीजिए और कोई भी क्वेरी मेरे से पूछिए। ठीक है, इसे भी अभी कर रहा हूँ बंद। तो डायरेक्टली मैं आता हूँ अपने माई पे क्रिप्टो एड्स पे। ये जो प्रोग्राम है, मैंने एक पिछली ओवरव्यू में बताया था, छोटे सा ओवरव्यू में, कि माई पे क्रिप्टो एड्स जो कि ये कंपनी है उदय नारा जी की, ठीक है, जिनकी आपको पता होगा आई थिंक MPA कंपनी जो कि है माई पेइंग एड्स, ये भी उन्हीं की पेरेंट कंपनी है ये, और ये चाइल्ड कंपनी उन्होंने निकाली है माई पेइंग क्रिप्टो एड्स करके। ठीक है, तो इस कंपनी में आपको रजिस्टर जरूर होना है, क्योंकि इस कंपनी का जो ओनर है वो माई पेइंग एड्स का ओनर बिल्कुल सेम है, ठीक है, जो कि उदय नारा जी हैं। और इस कंपनी ने अपनी रेपुटेशन इतनी अच्छी बना ली, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लाख से ऊपर मेंबर्स यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं और 18 मिलियन से ऊपर ये पे आउट अभी तक कर चुकी है, और एक भी मेंबर को अभी तक कभी भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आपको पेमेंट नहीं मिलेगी, आपका पेमेंट डिले होगा, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, 2015 से ये सक्सेसफुली चल रही है, और अच्छी रेपुटेशन बनाने के बाद इसके ओनर उदय नारा जी ने अपनी न्यू कंपनी लॉन्च कर दी है mypeingcryptoads.com, जिसके बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ पूरा। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि आपको मैं ये बता रहा हूँ mypeingcryptoads के बारे में, अगर इसको तो आपने ज्वाइन करना ही चाहिए, ऑनलाइन अर्निंग करनी है आपने तो, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। और ऐसा नहीं है कि अगर आप मैं आपको बता रहा हूँ तो आप सीधा इस साइट पर जाएं, mypeingcryptoads पे जाके आप साइन अप कर सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। बट मेरी सजेशन, मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर आपने ज्वाइन करना है ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी में कहीं भी, तो आपने आपके पास स्पॉन्सर जरूर होना चाहिए, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम्स होंगी, फिर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई नहीं होगा अगर आप डायरेक्ट यहाँ से जाके ज्वाइन करते हैं। ओके, तो मैं आपको अपना लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, जो कि कुछ इस तरह का है। ठीक है, ये लिंक MPCA का लिखा होगा, तो यहाँ पर आप आकर इस लिंक पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर आते हैं, मेरा तो ऑलरेडी मैंने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप इस लिंक पे, मेरे लिंक पे क्लिक किया आपने, अगर आपने किसी और के अंडर ज्वाइन करना हो तो आप वहाँ पे भी कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऐसे कि आपने मेरे अंडर ही करना है। ठीक है, बट अगर मेरे साथ करना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, तो आपको ऐसा दिखेगा, योर स्पॉन्सर इज उमेश वन, योर स्पॉन्सर नेम दिखेगा 3710 उमेश वन। यहाँ पर आपने आकर फर्स्ट नेम अपना एंटर करना है, लास्ट नेम एंटर करना है, ईमेल एड्रेस जो आप एंटर करेंगे, इस बात को याद रखिएगा कि यहाँ पे लिखा है नोट प्लीज एंटर अ जीमेल एड्रेस ओनली, तो जीमेल की ईमेल आईडी ही चलेगी यहाँ पे। ओके, और नीचे आप यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे, री एंटर करेंगे, एग्री करेंगे इनकी टर्म्स को और रजिस्टर पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, तो मैं ऑलरेडी ज्वाइंट हूँ, तो मैं इसमें आपको आपके सामने लॉगिन होता हूँ। अभी लॉगिन पे क्लिक किया, अपना नाम डाला, जो भी यूजर नेम है, पासवर्ड डाला। अब क्या होता है, जब पहले आपको, अगर आप माई पेइंग एड्स के मेंबर हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो आपको पता होगा कि हम ऐसे करते थे और सीधा लॉगिन करते थे, हम लॉगिन हो जाते थे। अभी क्या है इसमें, अभी मेरे पास तो मैंने काफ़ी बार आज लॉगिन किया है तो डायरेक्टली हो गया, नहीं तो ये कभी कभी कोड मांगता है। ठीक है, कोड ईमेल आईडी में आपके एक कोड देगा, तो वो कोड कुछ इस तरह से होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। ठीक है, अभी इसने मांगा नहीं क्योंकि मैं काफ़ी बार कर चुका था लॉगिन इसमें, तो जब वो आप कोड डाल के एंटर होंगे तो आपको इस तरह की ये 20 सेकंड की बार लोड होगी, उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे यू करके आया और यहाँ पे लिखा आएगा कंटिन्यू टू mypeingads.com, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं अपने माई पेइंग क्रिप्टो एड्स MPCA के बैक ऑफिस में भी पूरी तरह से लॉगिन हो गया हूँ, राइट, और आप देख सकते हैं पूरा इसका ओवरव्यू आके। तो सबसे पहला काम मैं आपको जो बात बताने वाला था कि अगर आपको लॉगिन में ईमेल आईडी में आपके कोई कोड सेंड मांगेगा तो आपको ईमेल आईडी में यू करके कोड आया होगा, आप ईमेल आईडी अपने चेक करेंगे तो यू कोड, ये कोड आपने, इस तरीके का कोड आपने वहाँ पर जाके पेस्ट करना है और आपका ईमेल लॉगिन हो जाएगा। तो इसे भी कर रहा हूँ मैं बंद। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने MPCA माई पे क्रिप्टो एड्स के बैक ऑफिस में दोबारा से। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है, आपने सबसे पहला काम ये करना है, आपने जैसे लॉगिन हो गए आप, ठीक है, आपने यहाँ पर आना है अकाउंट एक्टिविटी में और यहाँ पे क्लिक करना है प्रोफाइल पे। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपने देखना है यहाँ पे अपनी अकाउंट डिटेल्स। ओके, उसके बाद देखना है आपने अपने पर्सनल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम ठीक लिखा है। उसके बाद
यहाँ पर आप आकर आप बिटकॉइन वॉलेट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, आपने अपना बिटकॉइन वॉलेट का एड्रेस यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि MPCA में ओनली बिटकॉइंस के साथ ही काम होगा, कोई और प्रोसेसर के साथ काम नहीं होगा, जैसे पेपाल, पेजा, STP, परफेक्ट मनी, ठीक है, ऐसे कोई भी प्रोसेसर नहीं होंगे, सिर्फ बिटकॉइंस में ही काम करेगा ये, ओके। तो तभी यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन वॉलेट दिखा रहा है, ओके। तो आप अपना बिटकॉइन का वॉलेट एड्रेस यहाँ पे एंटर कर दीजिए, नीचे आके सबमिट कीजिए और आपका अकाउंट हो जाएगा पूरे तरीके से रेडी काम करने के लिए, ओके। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपने आकर अपनी प्रोफाइल पे अपने एंटर कर दिया, ठीक है, BTC एड्रेस आपका एंटर हो गया, सबमिट हो गया। उसके बाद आपका दूसरा काम, दूसरा स्टेप आप यहाँ पे करेंगे परचेज एड पैक पे क्लिक। जैसे आपने क्लिक किया तो ये आपके सामने ऐसे करके दिखा देगा, सेटअप करो अ न्यू बैनर एड। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, ठीक है, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ आपके साथ, क्योंकि मैंने भी अभी नहीं किया। और अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ऐड न्यू एडवर्टाइजमेंट बैनर, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक तरह की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम इसे इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं बोलते बेसिकली, MPCA को ना ही MPA को। तो ये एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, यहाँ पे आप कुछ एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, उसका रेवेन्यू आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा, जो आप फंड अपना लगा रहे हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो टाइटल देंगे, मैंने ऑलरेडी रखा हुआ है ये सारा कुछ, तो मैं फिल करता हूँ इसे। टाइटल है मेरे पास, ये मैंने टाइटल डाल दिया, बैनर का URL मांग रहा है, बैनर का URL डाल दिया, ठीक है, यहाँ पर डेस्टिनेशन URL मांग रहा है, तो डेस्टिनेशन का URL डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने ये चीज़ एंटर कर दी, ठीक है। अगर तो आप ऑलरेडी मेंबर हैं MPA के, माई पेइंग एड्स के, तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें आप कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप टाइटल कुछ भी दे सकते हैं जो आपका दिल करे। बैनर का URL आप अगर आपके आपके पास अगर बैनर नहीं है, ठीक है, बैनर का URL देंगे आप यहाँ पे, और डेस्टिनेशन URL वो हुआ जब, जैसे ये बैनर है, जब आपका ये बैनर प्रमोट होगा, जैसे ये बैनर प्रमोट कर रहा है कोई, ठीक है। तो अभी ये अगर मैं इस बैनर पे क्लिक करता हूँ तो मैं कहाँ पे जाऊँगा, किस लिंक पे जाऊँगा, वो है होता है डेस्टिनेशन URL, अगर आपको नहीं पता। तो मैंने वो डेस्टिनेशन का URL यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का लिंक यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ताकि आप आपका जब व्यूअर जो होगा वो यहाँ पे क्लिक करेगा बैनर में, तो वो रीडायरेक्ट होगा आपके लिंक पर, ठीक है, जो भी चीज़ आप प्रमोट कर रहे हैं, ओके। और बैनर का स्टाइल आप चूज़ करेंगे, मेरा बैनर का स्टाइल 728x90 है ये वाला, तो मैंने ये चूज़ किया, ओके। तो अगर आपके पास ये बात याद रखिए कि अगर आपको ये सेटअप करने का नहीं पता, या आपको बैनर लेने का नहीं पता, तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर आपके प्रोमो टूल्स में प्रमोशनल बैनर्स हैं, ठीक है। तो प्रमोशनल बैनर्स में जैसे आपने क्लिक किया, तो उसके बाद आपको ये यूं करके बैनर्स दिखा देगा, 125x125 के, 468 के एंड 728x90 के, जो भी आपको पसंद हो वो आप यहाँ पे, जैसे मेरे को ये पसंद था, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे बैनर का URL डिस्प्ले हो गया, तो बैनर का URL मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया इसको, ठीक है, कॉपी करेंगे यूं करके और यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे आके बैनर के URL में पेस्ट कर देंगे और अपना डेस्टिनेशन URL जो आपने प्रमोट करना है वो आप रख देंगे, ओके। तो ये सारा काम मेरा हो गया, ठीक है। तो अब मैं डायरेक्ट सबमिट पे जाके क्लिक करता हूँ, ओके, सबमिट किया, बैनर एडिट सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब मैं दोबारा से अपने ओवरव्यू पे जाता हूँ, यहाँ पे ओवरव्यू पे मैं गया, अब दोबारा से एक बार परचेज एड पैक पे मैं क्लिक करूँगा, तो देखते हैं क्या आता है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे परचेज एड पैक पे सेटअप अ न्यू बैनर एड आ रहा है, बट फिर भी नीचे मेरा बैनर सेटअप हो चुका है, जो कि स्टेटस एक्टिव है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने थर्ड स्टेप जो है आपने कैसे बाय एड पैक करना है, ओके। तो यहाँ पे बाय एड पैक पे आप क्लिक करेंगे आके, ओके, जैसे आपने क्लिक किया, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इनके चार एड पैक प्लान है, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो प्राइस है इनका 0.01 फर्स्ट का, सेकंड का 0.03, थर्ड एड पैक प्लान का है 0.05, फोर्थ का है 0.10। ये BTC में है सारे, आप ये बात याद रखिए, ठीक है। तो BTC में ही, बिटकॉइंस में ही हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ओके। और फर्स्ट लेवल में हम 100 परचेज कर सकते हैं, सेकंड में भी 100, थर्ड में भी 100, फोर्थ लेवल में हम 1000 एड पैक्स परचेज कर सकते हैं, ओके। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू अभी बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए, यहाँ पे मैंने स्नैपशॉट रखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है एड पैक प्लान वन, जो प्लान वन है उसका कॉस्ट है 0.01 BTC, राइट, जो कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है इनका 0.01 BTC। अगर आप गूगल पे जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे लिखे 0.01 BTC इन US डॉलर कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे इन लिखेंगे और एंटर करेंगे, आप देखेंगे 0.01 बिटकॉइन इक्वल 7.41 US डॉलर। इसी तरीके से आप बाकी जो इनके पैक्स हैं उनका भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं प्लान वन में मैंने आपको बताया 0.01 है, ठीक है, प्लान टू में 0.03 है एक एड पैक की वैल्यू,
ठीक है। इसी तरीके से प्लान थ्री में देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ एड पैकेज 0.05 है, प्लान फोर में कॉस्ट ऑफ एड पैकेज 0.10 BTC है। ओके तो ये तो होगी आपकी कॉस्ट। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने आपको गूगल पे करके बता दिया। तो गूगल पे भी आप जाके जब भी आपने ज्वाइन करना हो, जैसे आज तो $712 BTC का प्राइस है, कल को अगर BTC का प्राइस 1000 हो जाता है तो ये वैल्यू डॉलर्स में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी बात। और यहाँ पे आप देख रहे हैं रेवेन्यू शेयरिंग रिवॉर्ड्स है, नॉन गारंटेड एडिशनल रिवॉर्ड्स अप टू 120%। तो जितना भी आप BTC इन्वेस्ट करेंगे, जितना भी आप US डॉलर में अगर आप बोलते हैं, तो सपोज कीजिए आप $1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 120% मिलेगा उसका, जो कि हो गया $1200। ओके, और रीपर्चेज रूल कोई नहीं है, मैक्सिमम एड पैक्स जो है 100 परचेज कर सकते हैं, और पहले प्लान के लिए फॉर दिस प्लान मेंबरशिप इज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सेकंड प्लान के लिए लिखा है यू नीड टू परचेज क्वाइन एक्सप्लोरर मंथली मेंबरशिप, द कॉस्ट वुड बी 0.02 BTC। ओके, थर्ड प्लान में सेम चीज़ वही है, 120% मिलेगा, 100 परचेज कर सकते हो मैक्सिमम एड पैक्स। ठीक है, और यू नीड टू परचेज क्वाइन प्रोफेशनल मंथली मेंबरशिप, द कॉस्ट वुड बी 0.05 BTC। ओके, द फोर्थ प्लान में वही चीज़ सेम है, 120% मिलेगा, ठीक है, नो रीपर्चेज रूल, 1000 पैक परचेज कर सकते हो, और यहाँ पर यू नीड टू परचेज क्वाइन इलीट मंथली मेंबरशिप दैट वुड कॉस्ट 0.10 BTC। ओके, यहाँ पर नीचे देखिए क्या लिखा है, प्लीज रिव्यू द प्लान्स केयरफुली बिफोर यू डिसाइड ऑन योर परचेज स्ट्रेटजीज, प्लीज ऑल्सो पे अटेंशन टू द मेंबरशिप रिक्वायरमेंट, यू नीड टू केयरफुली डिसाइड ऑन वॉट मेंबरशिप टू बाय। ठीक है, तो जैसे कि आपका अगर मेंबर हैं ऑलरेडी MPA के, तो आपको पता होगा कि अगर आप डायरेक्ट फोर्थ प्लान से जाते हो, फोर्थ प्लान से डायरेक्ट आप स्टार्ट करते हो, ठीक है, तो आपको ऊपर वाले लेवल्स पे मेंबरशिप पे करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दो लेवल्स पे। सो ये सारी की सारी इसमें ही इंक्लूड हो जाएगी फोर्थ में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मैं आगे बताता हूँ अब कैसे आप परचेज करेंगे एड पैक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एड पैक प्लान वन, आप मेक श्योर कीजिए इस टाइम पर अगर आप परचेज करने जा रहे हैं तो आपके आपका BTC वॉलेट रेडी हो। जैसे मेरे पास अभी मेरा BTC वॉलेट है यूनिकॉइन, ठीक है, तो यूनिकॉइन में मेरे पास INR में फंड दिखा रहा है 70,000। ओके, तो मैं इसके सबसे पहले बिटकॉइंस परचेज करके रख लूँगा और बिटकॉइंस से फिर मैं यहाँ पे सेंड कर दूंगा। ओके, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बिटकॉइंस वॉलेट में ही काम होता है, ओनली BTC में ही। ठीक है, तो मेरे को करना है अभी प्लान वन के साथ जा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कि 100 है मैक्सिमम परचेज कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं परचेज पे क्लिक करता हूँ, सेम है MPA की, जैसे कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा चेंज नहीं है इसमें, बस यही है कि BTC में काम कर रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिटकॉइन वॉलेट में मेरे पास 0 दिखा रहा है हर जगह पे। ठीक है, प्लान नेम एड पैक प्लान वन, ठीक है, परचेज एड पैक कितने करने हैं मैंने ये पूछ रहा है मेरे से, कहाँ से करने हैं, चूज पेमेंट मेथड, प्रोसेसर से करने हैं मुझे, बिटकॉइन वॉलेट प्रोसेसर, देखिए और कोई नहीं है। ठीक है, तो लिखा है एंटर द नंबर ऑफ एड पैक्स यू विश टू परचेज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपना 33 सही रहेगा, 33 एड पैक्स मैं परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है, एंटर द नंबर ऑफ एड पैक्स यू विश टू परचेज, मैंने लिखा 33, तो ये बोल रहा है मुझे फाइनल अमाउंट हो गया 0.33 BTC। तो इसको आप कॉपी करके आप चेक भी कर सकते हैं ऊपर कितना बनता है, डायरेक्ट पेस्ट कीजिए in USD, ठीक है, कितना होता है अभी देखते हैं। तो ये बोल रहा है मेरे पास $235 बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैं अभी अपने इसमें देख रहा हूँ, मेरे पास यूनिकॉइन BTC वॉलेट में 17,000 है। ठीक है, तो मैं 15,000 का कुछ का ले लेता हूँ, 33 पैक्स मेरे पास आएंगे। ओके, एग्री कर रहा हूँ मैं इनकी टर्म्स को, तो आप दोबारा से एक बार सारा देखिए, परचेज एड पैक प्लान वन में परचेज कर रहे हैं, 100 में से कितने परचेज करने हैं वो नीचे लिखा है, प्रोसेसर चूज़ कर लिया है, बिटकॉइन वॉलेट चूज़ कर लिया है, 33 पैक्स चूज़ कर लिए हैं, अब करते हैं पे नाउ, एग्री कर दिया है टर्म्स को, हो जाता है डायरेक्टली, ये देखिए इस तरीके से रिडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये रिडायरेक्ट हो गया मेरे पेज पे, ठीक है, कॉइन पेमेंट के पेज पे आ गया। अभी यहाँ पे इस साइड में आपको फर्स्ट नेम लास्ट नेम अपना एंटर करना पड़ेगा, मैं करता हूँ अभी एंटर। ठीक है, ये भी एंटर हो गया, ईमेल आईडी एंटर हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अपना टोटल अमाउंट चेक कर लीजिए, प्राइस बन रहा है 0.33 BTC। ओके है, यहाँ पे आपने इस बटन पे क्लिक करना है, अभी ये ब्लू दिखा रहा है, अभी मैंने क्लिक किया तो ये ग्रीन दिखा रहा है। ठीक है, इस पे कर दिया और यहाँ पे कर दिया कंप्लीट चेकआउट पे क्लिक। जैसे ही कंप्लीट चेकआउट पे आप क्लिक करेंगे, उसी टाइम पर आपको ये रिडायरेक्ट करके आपको BTC का एड्रेस दे देगा और BTC दिखा देगा, इतना BTC आप सेंड कीजिए इतने टाइम के अंदर MPCA को। ठीक है, अभी ये दिखाएगा, देखिए ये देखिए आपके सामने यहाँ पे इसने दिखा दिया, मेरे पास एड्रेस दिखा दिया, एड्रेस लिखा है, ये पूरा एड्रेस पे मेरे को पैसा सेंड करना है BTC जो मैंने परचेज किया है एड पैक्स। ठीक है, टाइम लेफ्ट है मेरे पास 3 घंटे 29 मिनट। ओके, अमाउंट रिमेनिंग जो है मेरे पास ये इतना BTC मुझे सेंड करना है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, अपने सीधा BTC वॉलेट में जाता हूँ, BTC वॉलेट में मेरे पास
अगर आपके पास ऑलरेडी बिटकॉइंस हैं तो वेरी गुड, नहीं है तो आप बिटकॉइंस को परचेज कीजिए, बाय बिटकॉइन करूँगा मैं, ठीक है। अभी सब कुछ आपके सामने लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, ओके। तो यहाँ पे टू माई यूनिकॉइन वॉलेट में कितना फंड है, तो आपने यहाँ पे देखा मैंने एंटर किया 17,700 का एंटर कर दिया मैंने पूरे ही अमाउंट का, ठीक है। 42 ओनली रहने दिए, 42, 43। तो टू माई यूनिकॉइन वॉलेट, ठीक है, 0.33 के करीब हो गया टू INR में। और ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बाय बिटकॉइंस पे क्लिक, बाय बिटकॉइंस पे मैंने क्लिक किया 0.33, 17,000 का बाय पे क्लिक किया, ओके किया। और मैं अपने BTC वॉलेट में अभी जाके देखता हूँ, बिल्कुल मेरे BTC वॉलेट में मेरे पास फंड शो हो गया 0.33 करके, ठीक है। अब इस टाइम पर जैसे मेरे पास एड्रेस है, मैंने इसको कॉपी किया, इस टाइम पर कॉपी किया, अभी यहाँ पे गया मैं सेंड विड्रॉ बिटकॉइन पे, इमीडिएटली आपको सेंड कर देना है, ठीक है। अब इसने एड्रेस पूछा, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया जो मैंने यहाँ से कॉपी किया था, और इसको यहाँ से कॉपी किया इतना इतना, ठीक है, और यहाँ पे रख के इसको यहाँ पे रख दिया और यहाँ पे लिख दिया MPCA फर्स्ट पेमेंट पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कर दिया मैंने, आप एक बार चेक कर लीजिए एंटर एड्रेस, ठीक है, 3 से लेके C तक, ओके, BTC ठीक है, मैसेज ठीक है, सेंड मनी कर दिया। जैसे ही आपने सेंड मनी किया, ये आपको OTP पूछेगा, ये जो आपके मोबाइल नंबर में दिया होगा, ठीक है, उसको आप चेक कीजिए, 471795 है, ठीक है। तो मैंने इसको डन किया, ओके किया, सबमिट हो गया। ये ट्रांजैक्शन जो मेरी अभी हुई आपके सामने, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे दिखा रही है कि अप्रूवल पेंडिंग में है, ठीक है। तो आप व्यू कर सकते हैं इसको, एक्शन सेंड BTC किया, किसको किया, इस एड्रेस पे इतने टाइम पे इतना सेंड किया, अप्रूवल पेंडिंग है, और मैसेज है फर्स्ट पेमेंट, ओके ओके कर देते हैं। तो अभी ये वापस आके इस पेज पे, वापस आए इस पेज पे, और यहाँ पर आकर, और यहाँ पे आपने देखा कि ये देखिए अपने आप ऑटोमेटिकली इसने डिटेक्ट कर लिया, पेड कर दिया है, तो कंटिन्यू टू सेलर स्टोर कर देंगे यहाँ पे। जैसे ही आपने क्लिक किया कंटिन्यू टू सेलर स्टोर, यहाँ पे आ गया पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू फॉर योर पेमेंट। तो अभी पेमेंट इनके पास चली गई है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट 1 आवर के अंदर अंदर आपके पास इसमें, आपके पास जो है MPCA में आपके एड पैक्स शो हो जाएंगे, ठीक है, जो कि एक्टिव एड पैक्स कितने हैं आपके पास अभी तक, ओके। और यहाँ पे शो हो जाएगा एक्टिव एड पैक्स 33 मेरे पास, ठीक है, जो मैंने परचेज किए हैं जितने भी थे। तो अभी आप देख रहे हैं मैं 1 घंटे के बाद अपने अकाउंट में वापस आ गया हूँ, तो अभी मेरे पास यहाँ पे 33 एक्टिव एड पैक्स दिखा रहा है, ठीक है, शो कर रहा है। तो एक्टिव एड पैक्स के आने का मतलब ये नहीं कि आपकी अर्निंग, आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, आपको यहाँ पे 10 एड सर्व करनी पड़ेगी एवरी 24 आवर्स। यहाँ पे लिखा है यू आर येट टू सर्व 10 एड्स टूडे, ओके, यू कैन सर्व नाउ। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो ये 10 एड्स आपको सर्व करनी पड़ेंगी तभी आप एलिजिबल होंगे इसकी रेवेन्यू लेने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट लेने के लिए। तो अभी ये 20 सेकंड इसकी बार लोड हो रही है, इसके बाद आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। और एक बात याद रखिएगा कि बिना स्पॉन्सर के इसमें ज्वाइन मत होइएगा, नहीं तो बाद में आपको मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात ये है, वो भी बताता हूँ आपको दूसरी बात भी। और ये देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट आप देख रहे हैं जो आपको सिलेक्शन दिखाई देगी फर्स्ट में, वही इमेज आपने सिलेक्ट करनी है यहाँ पे, ठीक है, सिमिलर इमेज, ओके, ये आपने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली सेकेंड जो है एड भी रन होना शुरू हो जाएगी। ये देखिए सेकेंड एड भी आ गई, इसी तरीके से 20 एड्स की ये भी रन होगी। इसी तरीके से आपको यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं, यू हैव क्लिक्ड 1 एड इन दिस सेशन। इसी तरीके से आपको 10 एड्स पे सर्व करना है और आपका काम खत्म, ठीक है, जो टोटली 5 मिनट दिन के लेगा आपके, ओके। तो आपको अर्निंग बैलेंस में आपके अर्निंग शो होना शुरू हो जाएगी, ओके। अब मैं इसे बैक करता हूँ क्योंकि मैं सभी अभी नहीं करना चाहता एड्स पे क्लिक। तो यहाँ पे क्लिक करके इसके बाद मैं अपना बैक आता हूँ अकाउंट पे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे बैक टू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है यू आर येट टू सर्व 8 एड्स टुडे। इसी तरीके से आपको बाकी 8 भी करनी है, ठीक है, 24 आवर्स के अंदर आपको कंप्लीट करनी है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप एलिजिबल नहीं होंगे उस दिन के लिए प्रॉफिट लेने के लिए, ओके। और यहाँ पे एड पैक्स अर्निंग्स देख रहे हैं आप, इस जगह पे आपको अर्निंग्स आपकी शो होने लग पड़ेंगी, ठीक है। जैसे जैसे आप 24 आवर्स में अगर आप क्लिक करते रहेंगे तो आपकी अर्निंग्स इंक्रीज होती जाएंगी, ओके। उससे फिर आप न्यू एड पैक परचेज कर पाएंगे, उसकी वीडियो में बाद में आपको बताऊंगा कैसे आप करेंगे। और यहाँ पे एक बात आपको अभी बता दूँ कि माई पेइंग क्रिप्टो एड्स में आप एक ही आईडी एक हाउस होल्ड पर बना सकते हैं, ठीक है। 2 आईडी बनाने का ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका अकाउंट ये ब्लॉक किया जा सकता है और कोई भी पैसा आपको नहीं मिलेगा फिर, ठीक है। तो मतलब एक
एक घर से एक ही आईडी चलेगी, ठीक है, माई पेइंग क्रिप्टो एड्स की। ओके, तो इस तरीके से आप करेंगे एमपीसीए में साइन अप, एमपीसीए में सेटअप बैनर और एमपीसीए में परचेज एड पैक्स। ओके, और नेक्स्ट वीडियोज में मैं नेक्स्ट अपडेट्स लेके आऊंगा आपके पास, और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने यहाँ पे बात कही है, ठीक है। और ज्वाइनिंग लिंक जो है और नीचे दिए हुए हैं वीडियो के, ठीक है, एमपीसीए को ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ में अगर आपने काम करना है। ओके, तो गेट रेडी। तो अभी के लिए यही था, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय फॉर नाउ।